हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे वाइट कॉलर क्राइम और ब्लू कॉलर क्राइम के डिफरेंस के बारे में। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आपके सेमेस्टर्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वाइट कॉलर क्राइम और ब्लू कॉलर क्राइम में डिफरेंस क्या है। बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा, बहुत ही छोटे डिफरेंसेस भी हैं, कम डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। शुरू करते हैं। सबसे पहले वाइट कॉलर क्राइम। व्हाइट कॉलर क्राइम में फर्स्ट पॉइंट है पीपल फ्रॉम अपर सोशल क्लास कमिट व्हाइट कॉलर क्राइम। जो बहुत ही अपर स्ट्राटा के लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, ये सारे जो हैं व्हाइट कॉलर क्राइम को कमिट करते हैं। ब्लू कॉलर क्राइम क्या होता है? ये लोअर क्लास के लोग इसे कमिट करते हैं। ठीक है, लोअर क्लास पीपल कमिट दीज काइंड्स ऑफ क्राइम। लोअर क्लास में कौन? लोअर क्लास में वो लोग जो बहुत ही ज्यादा पॉवर्टी का शिकार है, तो वो लोअर क्लास हो गया। सेकेंड पॉइंट, नॉट इजी फॉर द जनरल पब्लिक टू अंडरस्टैंड। ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम है ये इतना आसान नहीं है कि जो हम लोग हैं, जनरल पब्लिक है, ये उसे समझ पाए, क्योंकि इतने ज्यादा लार्ज स्केल पर होता है और इतना इंटरनली सारा मामला चलता है कि कोई हम जैसे लोग इस चीज को नहीं इतना समझ सकते। तो वही एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन जाता है कि जनरल पब्लिक के लिए ये अंडरस्टैंड करना, ये समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन ब्लू कॉलर क्राइम बहुत आसान है समझना। जैसे कि कोई किसी की चेन खींच के भाग गया, स्नैचिंग हो गई, ठीक है, थेफ्ट कमिट हो गया, तो ये समझना आसान है हमारे लिए। बट व्हाइट कॉलर क्राइम इस तरीके से होते हैं, इस पैमाने पर होते हैं कि वो हमारे लिए समझना आसान नहीं है। पनिशमेंट क्या है व्हाइट कॉलर क्राइम की? फाइन पे कर देना बस। और इसमें क्या पनिशमेंट मिलती है? द पनिशमेंट इज जेल टाइम और प्रोबेशन। या तो उनको जेल में डाला जाता है या प्रोबेशन पर रिलीज कर दिया जाता है। प्रोबेशन पर रिलीज करने का मतलब है कि एक बॉन्ड भरवा करके बेसिकली छोड़ देते हैं। 3 साल के लिए होता है वो बॉन्ड भरवा करके छोड़ देते हैं। और ये होता है कि अगर कभी भी उन्होंने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो दोबारा जो है उन्हें मतलब अरेस्ट कर लिया जाएगा। देन फोर्थ पॉइंट, दे डू नॉट हार्म और इंजर द विक्टिम्स और देयर प्रॉपर्टी। ये हार्म तो नहीं कर रहे, मतलब कोई चोट वगैरह नहीं पहुंचा रहे हैं, किस तरीके कोई क्षति तो नहीं पहुंच रही है फिजिकली, मैं कहूँ, है ना, फिजिकली तो यहाँ पर कोई हार्म नहीं हो रहा व्हाइट कॉलर क्राइम में। बट ब्लू कॉलर क्राइम में हार्म हो रहा है, फिजिकली हो रहा है, हार्म कर रहे हैं, इंजर कर रहे हैं द विक्टिम्स और देयर प्रॉपर्टी। विक्टिम्स को भी, उनकी प्रॉपर्टी को भी। भाई किसी ने किसी को मार दिया, ठीक है, जान से नहीं, मतलब ऐसे नॉर्मली किसी ने किसी को मार दिया, ठीक है, तो ये इस तरीके से ये हार्म करने की बात हो गई। तो यहाँ पर हार्म हो रहा है और इंजरी भी हो रही है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा फिजिकली, एटलीस्ट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा व्हाइट कॉलर क्राइम में। देन फिफ्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, पनिशमेंट एंड प्रूफ आर डिफिकल्ट टू अचीव। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इतने बड़े पैमाने पर ये सारी चीजें होती हैं और पैसे से इन सारी चीजों को दबा दिया जाता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये यहाँ पर जो मनी का पावर होता है उसे यूज करके जो भी प्रूफ्स वगैरह होते हैं या एविडेंसेस वगैरह होते हैं उन्हें छुपा लिया जाता है। तो जब यही नहीं मिलेगा तो पता कैसे चलेगा कौन सा क्राइम हुआ है और कौन सा क्राइम नहीं हुआ है। कोर्ट प्रूफ मांगती है, एविडेंस मांगती है, और वो एविडेंस जो है लोगों के पास होते नहीं, क्योंकि उन एविडेंस को पहले ही तहस नहस कर दिया जाता है। तो इस वजह से प्रूफ करना डिफिकल्ट हो जाता है और पनिशमेंट नहीं मिल पाती। ब्लू कॉलर क्राइम में आसानी से भाई जो निचले तबके के लोग हैं, या जो निचले तबका इज नॉट राइट, आई एम सॉरी, बट जो थोड़े से लोअर क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, उन लोगों को पकड़ना आसान है, प्रूव करना आसान है उनके अगेंस्ट कुछ भी, और पिनलाइज करना उन्हें आसान है, मतलब कि पनिश करना आसान है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है हमारे व्हाइट कॉलर क्राइम और ब्लू कॉलर क्राइम के बीच में, और यही आप लोगों को आपके सेमेस्टर्स में भी लिख करके आना है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।